तो दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं समीर जी के स्टडी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए बताने वाले हैं जो आप अपने आधार कार्ड में, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर में, आधार कार्ड में फ़ोन नंबर गलत है और आधार कार्ड में नाम गलत है, तो दोस्तों उसको सही कैसे करते हैं। तो दोस्तों आधार कार्ड की जो कंपनी है UIDAI, उस कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट किया है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो ये है, अब घर बैठे मिलेगी आधार कार्ड में फ़ोन नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा, नहीं होगी आधार केंद्र जाने की ज़रूरत। तो दोस्तों आधार में करेक्शन कराने के लिए अब आने वाले टाइम में नहीं होगी, आप खुद से ही ऑनलाइन आप अपने आधार कार्ड में अपना फ़ोन नंबर या आधार कार्ड में नाम गलत है तो उसको हम अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों बता देते हैं कि क्या है इसका प्रोसेस। आप आधार कार्ड में किसी तरह से बदलाव कराने के लिए आपको दर दर भटकना नहीं होगा। इसके लिए UIDAI ने नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस नई सुविधा से आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में फ़ोन नंबर और पता एंड नाम और XYZ बायोमेट्रिक और अन्य विवरण का अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI राशन वो आधार कार्ड धारकों को घर पर ही सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जी UIDAI की ये वेबसाइट है india.com पे। तो मैं इसकी सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपको परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों और पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी, क्या क्या जानकारी दी गई है। तो दोस्तों इसमें सारी जानकारी दी गई है, फ़ोन नंबर अपडेट या बायोमेट्रिक विवरण जैसे बदलाव के लिए सेवा केंद्र जाना नहीं पड़ेगा, ये मैंने बता दिया है आपको। आधार अपडेट प्रोसेस को सरल और आसान बनाने के लिए UIDAI इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कार्यकर लगभग 48,000 पोस्टमैन को ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये नागरिकों को घर बैठे सर्विस देंगे। दो अलग अलग चरणों में कुल 1.5 लाख डाकियों को ट्रेनिंग मिलने की उम्मीद है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक पोस्टमैन नए आधार कार्ड बनाने में भी मदद करेंगे। जैसे कि आपको आधार कार्ड जैसे कि नया बनाना है आपको, छोटे बच्चे का आधार कार्ड, तो उसमें भी आपके जो पोस्टमैन होते हैं उसमें भी आपको बनाने में मदद करेंगे। ये डिजिटल गैजेट से लैस होंगे। UIDAI देश के 755 जिलों में प्रत्येक में आधार सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य चल रहा है, इस समय 72 शहरों में। तो दोस्तों इस समय 72 शहरों में 88 UIDAI सेवा केंद्र यानी कि आधार सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं। आधार कार्ड में कोई भी बदलाव कुछ ही बार होता है, जैसे कि आप आधार कार्ड में कोई भी चीज़ चेंज कराते हैं तो वो सीमित टाइम के लिए ही होता है, उसके बाद आप उसे नहीं बदल सकते हैं। सन 2019 में आधार UIDAI ने नाम, जन्मतिथि और जेंडर के बदलाव पर एक सीमा लगा दी थी। इसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ज भी देना होता है।
जैसे कि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा, जबकि डेमोग्राफी अपडेट के लिए 50 रुपये का चार्ज देना होगा। डेमोग्राफी जैसे कि नाम चेंज, एड्रेस चेंज, और भी कोई चेंज कराना चाहते हैं उसके लिए आपको 50 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर आप आधार को कलर में डाउनलोड कराने के लिए आपको 30 रुपये का चार्ज देना होगा। जैसे कि आप आधार कार्ड को प्रिंट करवाते हैं तो आपको इसमें 30 रुपये का चार्ज देना होगा। तो दोस्तों, आपको आने वाले टाइम में ये दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आधार सेवा केंद्र हर जगह जगह खोले जाएंगे, और इसमें आपको आधार में कोई भी करेक्शन कराने के लिए आपको लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा कर नहीं पड़ेगी। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, वो भाग दौड़ करते हैं कि फिर भी आधार कार्ड आपका संशोधन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में डाकिया आपके घर लेकर आएगा तो और आपका आधार कार्ड में संशोधन करके आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ले जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जीके से रिलेटिव और आधार कार्ड से रिलेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।